हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मनीष गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर की वीडियो मैंने आप लोग को क्या बता के दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल मैंने आप लोग को बता के दिया था, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रो है, ओके, एंड 18 वर्टिकल कॉलम है। शॉर्ट फॉर्म बता के दे रहा हूँ, और मैंने लेक्चर में आप लोग को बता के दिया है 7 हॉरिजॉन्टल रो, 18 वर्टिकल कॉलम है, ओके, एंड इसमें दीज आर 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट मीन्स 1 to 2 ग्रुप। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 to 18। डी ब्लॉक मीन्स 3 to 12। जो एफ ब्लॉक आपका, एफ ब्लॉक जो स्टार्टिंग की है उसको आप लेंथ नाइट सीरीज कहोगे, बिकॉज साइड इज सेपरेट इज देयर, एंड डाउन इज द एक्टिनाइट सीरीज, ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिग जग लाइन, बॉर्डर ऑन द जिग जग लाइन बाउंड्री पे, जो आपका क्या है, नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल, एंड जिग जग जो लाइन है उस पे, और जो वाइल, जबकि, वाइल मीन्स क्या होता है, जबकि होता है, क्या होता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में जो है वो क्या मेटल है, जो राइट साइड में आपका नॉन मेटल है, ओके, एंड मेटल, सॉरी मॉडर्न पीरियड टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट आप लोग को पढ़ा के दिया था मैंने शॉर्ट फॉर्म में, जो आप लोग को एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया हो, अभी मैं आप लोग को बता के दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोग को ऐसा बता दिया था, 1 स्क्वायर अच्छे से लिखेंगे तरीके से, ओके, मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैंने आप लोग को एक्चुअली ये चीज़ बताया था, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ही एक्चुअली आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैं चाहिए तो लिख के देता हूँ आप लोग को अभी, ओके, सॉरी, लुक हियर, सपोज मैग्नीशियम, पहले क्या देखोगे आप, मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जैसे आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, कितना होता है, 11। तो आप इसको कैसे बनाओगे, 2, 8, 1, स्टार्टिंग में 2, 2, 8, 1, 2, 8, 10, 1, 11 हो गया, ओके, बिकॉज ऐसा लगा कि मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 11, देन 2, 8, 1 कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, टू बी कंटिन्यू, सेकेंड वन टेक सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, हाउ विल मेक कॉन्फ़िगरेशन, 2, 8, 1, ओके, अंडरस्टूड, 2, 8, 1, ओके। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कैसे एक्चुअली बनाते कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर से। कंटिन्यू, थर्ड वन, एल्युमिनियम, 2, 8, 3, ओके, फोर्थ वन, एल्युमिनियम 2, 8, 3 हो जाएगा, एंड फॉस्फोरस पी 2, 8, 6, बिकॉज दिस आर एटॉमिक नंबर इज 16, देन 2, 8, 6, बिकॉज बिगनिंग इज देयर 2, बिगनिंग इज देयर 2, मिड 2 इज 8, 12 बिच वन जस्ट आई गिविंग फॉर एटॉमिक नंबर, ओके, फोर्थ वन, हाइड्रोजन, बी नो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, देन कॉन्फ़िगरेशन आल्सो 1, फिफ्थ, लिथियम, एल आई, लिथियम मीन्स हाउ मच इज लिथियम, 3, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, देन बड़ा से क्या बोला अभी, स्टार्टिंग 2, देन 3 मीन्स 2, 1, अंडरस्टूड, सिक्स नंबर, क्लोरीन,
क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, हाउ मच 17 मींस, तो आप स्टार्टिंग 2.8, अंडरस्टूड ना, 8, देन रिमेनिंग 7, 17, अंडरस्टूड, समझ आ रहा ना आप लोग को, 7 पोटेशियम टेक, पोटेशियम इज एटॉमिक नंबर हाउ मच 19, हाउ मच 19, मान के आप लोग को स्टार्टिंग 2, देन मिड 8, देन 8, अंडरस्टूड, 8 2 10, 10 और 8 18, 18 कामा 1, ओके अंडरस्टूड, 18, एक्चुअली ऐसा सब टू करने का आपको, बिकॉज वेन जब एक्चुअली आप एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर रहे हो दैट टाइम इट आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ओके नाउ इट्स कमिंग टू पॉइंट्स, डू यू नो यूरेनियम हैज एटॉमिक नंबर 92, जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 92 होता है, ऑल द एलिमेंट बियॉन्ड, ऑल द एलिमेंट को संबंध दो बियॉन्ड उसके परे छोड़ दो, कुछ मतलब गिनती नहीं कर सकते, यूरेनियम हैज एटॉमिक नंबर 92 फिक्स, विद एटॉमिक नंबर 93 to 118 आर मैन मेड, जो एटॉमिक नंबर है 93 to 118 एलिमेंट आर मैन मेड, आदमी लोग नहीं बनाया है, साइंटिस्ट लोग, ओके नो ऑल दिस एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव एंड अनस्टेबल है, वेरी शॉर्ट लाइफ, इसका जो बचा हुआ है ऑल दिस एलिमेंट, ये सब जो बचा हुआ एलिमेंट है उस रेडियो एक्टिव है अनस्टेबल है, और सबकी बहुत शॉर्ट टाइप होगी, ओके अंडरस्टूड, शॉर्ट कम समय तक रहता है जो ऐसा, ओके ना इन द मॉडर्न पीरियड टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, डू यू नो इट, लेक्चर की वीडियो मैंने आप लोग को बता के भी दिया हो, एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो मॉडर्न पीरियड टेबल बनाए थे उन्होंने जो अरेंज किए थे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो किसके हिसाब से, बिकॉज एक्चुअल के एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ओके सेकंड नंबर, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हो आप, ग्रुप, वर्टिकल कॉलम डू यू नो इस टाइप का बॉक्स में, वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप, देर आर 18 ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम में हाउ मच ग्रुप इज देर 18, द केम का प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप सो सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशंस, दिस द केम का प्रॉपर्टी, उसमें केम का प्रॉपर्टी क्या है एलिमेंट की सेम है, ओके सो सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशंस, सिमिलरिटी इनका प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट सेम ग्रुप सो सिमिलरिटी इन ग्रेडेशंस, एक्चुअली उसमें कहते एलिमेंट की सेम ग्रुप होती है और सिमिलरिटी भी सेम समानता रहती है ग्रेडेशन के हिसाब से, थर्ड वन क्या बताया इन्होंने, हॉरिजॉन्टल रो और कॉल्ड पीरियड, हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम को ग्रुप, ध्यान में रखना, ओके लग बाय चांस एक्चुअली आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, फिर में दे आर इन ऑल 7 पीरियड्स, कितने हाउ मच पीरियड इज देयर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज स्लोली फ्रॉम वन इन टू अनदर इन ए पीरियड, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज स्लोली, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है स्लोली फ्रॉम वन टू अनदर चेंज होता है धीरे धीरे करके, ओके बिकॉज विद पीरियड के अनुसार, अंडरस्टूड, दे आर इन ऑल 7 पीरियड है, उसके अंदर कितना 7 पीरियड है, लेकिन जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की चेंज स्लोली धीरे धीरे चेंज हो जाती है वन टू अनदर एक से दूसरे तक, मीन्स किस में पीरियड में, ओके और जेंडर होगा जो है उसमें, अंडरस्टूड, टू बी कंटिन्यू, एक्चुअली मैं आप लोग को ट्रिक बता के दे रहा हूँ आप टेबल कैसे याद रखोगे, ओके एस ब्लॉक, पहले आप एस ब्लॉक में देख लो, एच एल आई एन ए के आर बी सी एस एफ आर, एच मतलब हाइड्रोजन, एल आई मीन्स लिथियम, एन ए मीन्स सोडियम, के मीन्स पोटेशियम, आर बी मीन्स रूबीडियम, सी एस मीन्स कैल्शियम, एफ आर मीन्स फ्रांसियम, तो आप कैसे याद रखो इसको, कैसे याद रखो, ट्रिक देखो, पहला हलीना, क्या बोलोगे आप हलीना, ह लिख लो, राइट डाउन योर नोटबुक, ओपन योर बुक फर्स्ट वन देन राइट नाउ, हलीना
क्या? हलीना, देन हलीना किया मतलब का, हलीना का रिबन किसने फाड़ा, हलीना का रिबन किसने फाड़ा, रिबन आपको बता रहेगा तो क्या लिख रहे हो, याद कैसे याद रखोगे, हलीना का के, हलीना का रिबन, आरबी रिबन, सी एच किसने फाड़ा, हलीना लड़की का नाम हो गया, हलीना का रिबन किसने फाड़ा, ओके अंडरस्टूड। सेकंड नंबर डी एम जी सी ए एस आर डी ए आर ए, डी मीन्स बेरिलियम, एम जी मीन्स मैग्नीशियम, सी ए मीन्स कैल्शियम, एस आर मीन्स स्टोंटियम, बी ए मीन्स बेरियम, आर ए मीन्स रेडियम, ओके याद करने की ट्रिक क्या है इसकी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कैसे याद रखोगे आप लोग, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या बोलोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, देखो बी मतलब बेटा, बी बेटा, एम जी मांगे, सी ए कार, एस आर स्कूटर, बी ए बाप, आर ए राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ओके आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ये आपका एक्चुअली यस ब्लॉक रिमाइंड, कौन सा यस ब्लॉक, ओके अब आप पी ब्लॉक देखो, क्या देखोगे, पी ब्लॉक देखो, बी मीन्स बोरॉन, एल मीन्स एल्युमिनियम, जे मीन्स गैलियम, आई एन मीन्स इंडियम, टी आई मीन्स थैलियम, क्या टी आई मीन्स थैलियम, ओके तो एक्चुअली आप कैसे याद रखोगे इसको, बैगन आलू, बैगन आलू गाजर, क्या हो गया, बी मतलब बैगन, एल मतलब आलू, जी मतलब गाजर, या बी मतलब ब्रिंग में बोल सकते हो, ब्रिंग आलू गाजर, ब्रिंग मीन्स, या बैगन में बोल सकते हो, बैगन आलू गाजर इन थैली में लो, क्या बोलोगे, बी मतलब बैगन, एल मतलब आलू, जी मतलब गाजर, आई एन मतलब इन, टी मतलब थैली, एल मतलब लो, बैगन आलू गाजर इन थैली में लो, थैली लो, ओके याद हो गया, बैगन आलू गाजर इन थैली में लो, इन थैली लो, में मत डालो, कि समझ में आ गया ना, क्या बोला मैंने, वापस बोलता हूँ, बैगन आलू, बी मतलब बैगन, ए एल मतलब आलू, जी मतलब गाजर, आई एन मतलब इन, टी मतलब थैली, एल मतलब लो, थैली में लो, ओके आई होप आप लोग याद कर लिए होंगे, टू बी कंटिन्यू, देखो सी मत, सी मतलब कार्बन, एस आई मीन्स सिलिकॉन, जी मीन्स जर्मेनियम, एस एन मीन्स टिन, पी वी मीन्स लीड, ओके अब इसको कैसे याद रखोगे आप लोग कुछ दिमाग में ट्रिक आ रहे, देखो मैं बता के देता हूँ, पहले तो क्या करें, सी मतलब कहे, कहे शिव जी, शिव जी क्या लिखोगे, कहे शिव जी, कहे शिव जी, सी मतलब कहे, ऐसा ही मतलब शिव जी, जी मतलब जी, समझ जाओगे ना आप लोग, कहे शिव जी सुनो पार्वती, क्या बोलोगे आप, सी मतलब कहे, ऐसा ही मतलब शिव जी, ऐसा मतलब सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, क्या वापस बोलू, सी मतलब कहे, ऐसा ही मतलब शिव जी मतलब जी, कहे शिव जी, क्या होगा आपका, कहे शिव जी, देखो ये कहे शिव जी हो गया बराबर, क्या कहे शिव जी और सुनो पार्वती, ठीक मतलब पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, आई होप आप लोग याद कर लिए होंगे। थर्ड में देखो, एन नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, एस आर्सेनिक, एस बी मीन्स एंटीमोनी, वी आई मीन बाइस्मूथ, इसको आप कैसे याद रखोगे, ट्रिक, नेक्स्ट
नाना पाटकर, क्या नाना पाटकर, ऐश्वर्या, क्या नाना पाटकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, क्या नाना पाटकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, क्या मान लो सब खुद घूमने जा रहे हैं, क्या करो, मान लो नाना पाटकर हो गई, यान मतलब नाना, पी मतलब पाटकर, याद हो गया आप लोगों को, एन पी मीन्स नाना पाटकर, एन पी मीन्स नाना पाटकर, एच मीन्स ऐश्वर्या, एस वी मतलब सब, बी आई मीन्स बिंदास, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बिंदास, याद हो गया क्या, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बिंदास। वापस बोलू, एन मतलब नाना, पी मतलब पाटकर, नाना पाटकर, ए एस मीन्स ऐश्वर्या राय, एस बी मतलब सब, बी आई मीन्स बिंदास, अंडरस्टूड, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ओके। आई होप आप लोग याद भी कर लिए होंगे। दूसरा देखो, ओ मीन्स ऑक्सीजन, एस मीन्स सल्फर, एस मीन्स सेलेनियम, टी मीन्स टेलीरियम, पी मीन्स पोलोनियम, ओके। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो टेंशन मत लो, डोंट वरी, मैं आप लोगों को जो बता के दे रहा हूँ वो आपको हमेशा के लिए याद रखा रहेगा, डोंट टेक अ टेंशन, ओके। ओ स्टाइल, क्या ओ स्टाइल सिटी पो, क्या देखिए, ओ ऐसे, ओ मतलब ओ, यस मतलब स्टाइल, स्टाइल ओ स्टाइल से, टी टी पीओ, बोलते नहीं मोबाइल जो चला रहे थोड़ा स्टाइल से टूपो ना, बहुत लोग चैटिंग बहुत स्लो करते हैं ना, आप लोगों को बता रहेगा, चैटिंग करो आराम से, टीपो टीपो बोलते नहीं, तो आप कैसे बोलोगे इसको, ओ स्टाइल से, ओ स्टाइल से टीपो, बोले ओ स्टाइल से टीपो, एक्चुअली ऐसा, ओके, ओ स्टाइल से टीपो, अंडरस्टूड। आई हो आप लोग इतना समझ गए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखो, एफ फ्लोरिन, सी एल क्लोरिन, बी आर ब्रोमिन, आई मीन्स आयोडीन, एटी मीन अस्टाडिन, एटी मीन्स अस्टाडिन, ओके। आप कैसे याद रखोगे इसको, कैसे याद रखोगे ट्रिक, एफ मतलब फिर, सी एल मीन्स कल, बी आर मीन्स बाहर, आई मीन्स आई, एटी मीन्स आत्मा, देखो एफ फिर, सी एल मीन्स कल, फिर कल, बी आर बाहर, फिर कल बाहर आई, एटी आत्मा, ओके, फिर कल बाहर आई आत्मा, क्या यप मीम, यप मतलब फिर, सी एल मीन्स कल, बी आर मीन्स बाहर, आई मीन्स आई, ए टी मीन्स आत्मा, फिर कल बाहर आई आत्मा, ओके। आई होप आप सब लोग ने इसको भी याद कर लिए होंगे आराम से, आप लोग कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना, ओके, फिर कल बाहर आई आत्मा, ओके। नेक्स्ट इसको भी याद करवा देता हूँ, एच ई एन ई ए आर के आर एक्स ई आर एन, एच मीन्स हीलियम, एन ई मीन्स नियोन, एयर मीन्स ऑर्गोन, के मीन्स क्रिप्टॉन,
एक्जिमेन जेनोन, आरिमिस रेंडॉन। ओके कैसे याद रखोगे इसको? हीना नीना और करो जेरोक्स रंग। क्या बोलोगे आप? हीना नीना एच ई हीना एन ई नीना ए आर आर के आर करो एक्स ई जेरोक्स आर एन रंग। लिख के चाहिए ठीक है सॉरी एच ई हीना एन ई नीना 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 ए आर हीना नीना और के आर करो हीना नीना और करो ए आर मीन्स और के आर मीन्स करो हीना नीना और करो यक्सी जेरोक्स आर्यन रंग। ओके देखो मतलब जो जेरोक्स मशीन थी उनके बाद थोड़ा खराब हो गया था ना। हीना नीना दोनों बहन बहन थी। क्या थी? हीना नीना दोनों बहन बहन। आज जिंद कर सकते हो आप लोग याद करने के लिए। हीना नीना दोनों का एक दुकान था, उन दोनों साथ में बेचारे काम करते थे। हीना नीना और हीना नीना और करो जेरोक्स रंग और जेरोक्स में मोर्चा लग गया था इसकी वजह से। हीना नीना और करो जेरोक्स रंग एच ई मीन्स हीना एन ई मीन्स नीना ए आर मीन्स और के आर मीन्स करो एक्स ई मीन्स जेरोक्स आर एन मीन्स रंग। ओके आई होप आप सभी लोग लिख भी लिए होंगे। ओके आपने कौन कौन सा देखा? यस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ओके आई होप ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। आप लोग को आई होप आप लोग याद भी कर लिए होंगे इसको अच्छे से और आपने बुक पे भी लिख लिए होंगे। ओके